अच्छा भाई, वापस आ गए हैं ब्रेक से। ज़रा एक्नॉलेज कर दें कि आवाज़ आपको आ रही है। सर अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं इंस्ट्रक्शंस ब्रेक से पहले पहले तो हमने बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस तमाम देख लिए, एंड और एक्सॉर नॉट टेस्ट, ठीक है। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, इसकी क्या मीनिंग है, ठीक है। अभी तक हमने शिफ्ट लेफ्ट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके देखा और शिफ्ट राइट। शिफ्ट लेफ्ट क्या कर रहा था कि भाई तमाम वैल्यूज़ को लेफ्ट पर शिफ्ट कर रहा था। ये देखें, शिफ्ट लेफ्ट क्या कर रहा था, तमाम वैल्यूज़ को लेफ्ट पर शिफ्ट कर रहा था और राइट आपके राइट मोस्ट पे एक जीरो को इंसर्ट कर रहा था और लेफ्ट मोस्ट जो आपकी बिट थी उसको आउट कर रहा था। ये हमने देख लिया कि शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई बाई टू होता है, शिफ्ट राइट हमारे पास डिवाइडेड बाई टू होता है, और शिफ्ट राइट में आप तमाम बिट्स को राइट पर शिफ्ट करते हैं एक एक बिट को, और लेफ्ट मोस्ट पर एक जीरो को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यही आपका मैनुअल में भी लिखा हुआ है, ये देखिए इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट। इसके बाद आता है ये जो शिफ्टिंग के इंस्ट्रक्शन होगा। अब आपके पास आता है शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट और शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। अच्छा, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट SAL, इसमें क्या हो रहा है भाई, डबल क्या डेस्टिनेशन कॉमा काउंट देना है। अब इसमें क्या है, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट सेम एज एसेंशियल। अच्छा, ये तो है बिल्कुल सेम काम कर रहा होगा शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट इसके शिफ्ट लेफ्ट। इसके बाद है शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, इसको हम डिस्कस करते हैं पहले फिर उसके ऊपर आते हैं कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट क्या कर रहा होगा। इसमें सिर्फ सेम काम है, सिर्फ शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट और शिफ्ट अर्थमेटिक राइट है। क्या है शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, साइन बिट इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा एक मिनट आप लोग वेट करें। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट को यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं शिफ्ट है SHR, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अच्छा मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूँ, मुझे कोई ये बता दे कि आपके पास कोई वैल्यू अगर गिवन है, सपोज आपके पास कोई वैल्यू गिवन है यहाँ पर, सपोज 1 0 1 0, अब मुझे कौन बताएगा कि ये भाई हमारे पास, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक साइंड वैल्यू है या अनसाइंड है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है या एक नेगेटिव वैल्यू है, यानी ये एक साइंड पॉजिटिव वैल्यू है या फिर ये एक 1 0 1 0, ये कैसे पता लगेगा कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है या फिर एक नेगेटिव वैल्यू है, माइनस साइन जी। तो कुछ आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, बिल्कुल सही, चेक MSB, बिल्कुल सही। हम क्या चेक करेंगे, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी अगर ये एक नंबर है इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, MSB, ये लेफ्ट मोस्ट, ये वन। अगर ये वन है तो इसका मतलब कि ये एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अगर तो ये जीरो होती MSB तो हमारे पास क्या होती, वो पॉजिटिव यानी कि अनसाइंड वैल्यू है, अगर वन आ रही है यानी कि ये एक साइंड वैल्यू है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी यूज़ होगा शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर। वो क्या कि अगर हम शिफ्ट अर्थमेटिक राइट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास एक ये आ गई भाई
वैल्यू सपोज लिख देते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात, ठीक है। यहाँ हमारे पास वैल्यूज स्टोर्ड हैं 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है भाई, ये हमारे पास वैल्यूज स्टोर्ड है। अब जब शिफ्ट अरिथमेटिक राइट होगा तो इसमें क्या चीज़ इसमें डिफरेंट होगी शिफ्ट राइट से, एस एच आर से। अच्छा यहाँ पर भी मैंने एस एच आर कर दिया, सॉरी, यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या होगा भाई शिफ्ट राइट में और शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में? हम शिफ्ट राइट में अगर आप देखें तो क्या कर रहे थे, यहाँ शिफ्ट राइट में क्या कर रहे थे कि तमाम बिट्स को राइट पर शिफ्ट कर रहे थे और लेफ्ट मोस्ट पर राइट मोस्ट पर एक बिट को ऐड कर रहे थे, ठीक है, और ये लेफ्ट आपकी जो यहाँ पर बिट थी इसको आउट कर रहे थे। यहाँ पर भी सिमिलर काम होगा, सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंस आएगा, वो क्या कि जो भी आपकी ये बिटियाँ, अगर ये वन है तो ये तो हमने कर दी भाई बाहर निकाल दी, यानी इसको कैंसिल हो गया, ये आ गए भाई शिफ्ट राइट है तो वन इधर आ गया, ज़ीरो इधर आ गया, ये ज़ीरो यहाँ आ गया, ये राइट पर शिफ्ट, तमाम राइट पर शिफ्ट हो रही है ना भाई अरिथमेटिक राइट, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये ज़ीरो यहाँ पर। और अभी हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि ये हमारे पास किस तरह पता लगता है हमारे बिट के भाई ये साइन है या अनसाइन है, एमएसबी से। एमएसबी क्या है, इसकी साइन बिट कहलाती है, ठीक है, तो साइन बिट को हम हमेशा क्या करेंगे, नहीं छेड़ेंगे। सर वन आएगा फोर्थ बिट में, हाँ सॉरी, याद दिला दिया, ठीक है। तो अब जो साइन बिट होगी ना इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज, ये जो साइन बिट है क्योंकि ये हमें बता रही है कि भाई ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा साइन बिट को नीचे उतार देंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे कि यही वैल्यू जो है इसको हम यहाँ पर भी शिफ्ट ऑटोमेटिक राइट करके यहाँ पर भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है साइंड शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर, कि जिसके अंदर आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आप उसकी बिट्स को चेंज नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर शिफ्ट राइट के अंदर क्या हो रहा था कि आपकी तमाम बिट्स, वो जीरो हो वन हो जो भी आ रही हो, वो तमाम राइट पर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब अगर आपने इसका काउंट नंबर वन चला दिया, ये काउंट, जब आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको सेम एज इट इज आंसर नहीं मिलेगा, आपको यही वाला आंसर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग मिलेगी, वो ये कि ये तमाम राइट पे तो शिफ्ट हो जाएंगी लेकिन जो आपकी साइन बिट होगी वो फर्स्ट जो आपकी एड्रेशन थी वही वाली मिलेगी आपको। आपने कहाँ से देखना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बिट साइन बिट जो यहाँ पर आई है शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के थ्रू, तो आप असल बिट आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ज़ीरो से, तो ये ज़ीरो यहाँ है, ये आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी इन बिट्स के अंदर चेंजिंग आ रही होगी, ठीक है, इन सिक्स बिट्स के अंदर। अगर आप इसको परफॉर्म करके देख लें, यहाँ पर हम कर देते हैं भाई अरिथमेटिक राइट,
आवाज नहीं आ रही। इसको हम रन करके देखते हैं। सेम चीज है, ठीक है। सिर्फ आपने क्या चीज चेंजिंग आ गई, आपने यहाँ से यहाँ तक इसको नोट करनी है, क्योंकि ये तो साइन बिट है, ये यहाँ पर इसको आपने ऑब्जर्व नहीं करना, ये सिर्फ कंप्यूटर को ही समझ आएगी, आप वहाँ कंप्यूटर ही रीड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखने के लिए आपने यहाँ से चेंजिंग देखनी है, ये चीज आपकी चेंज हुई, हाँ भाई 101000 यानी कि अर्थमेटिक राइट पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी चीज क्या है, अगर आप इसकी सेकंड इटरेशन भी चला रहे हैं तब भी यही वाला काम होगा कि ये जो बिट है आपकी ये नीचे वन आ जाएगी, ठीक है, और यही वन इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर ये वाली बिट आपकी 101 इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है। ये चीज आपकी किस तरह किस में परफॉर्म हो रही है, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर काम हो रहा है। साइन बिट को आपने छेड़ना नहीं है, साइन बिट को आपने नीचे कॉपी कर देना है और उसी को आपने राइट करा के तमाम शिफ्ट करवा, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि आपकी जो भी वैल्यू है अगर आपको रीड करने के लिए कहा जाए या वाइवा में पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई MSB के अंदर अगर आपके पास 1 आ रहा है तो ये नेगेटिव यानी कि साइन वैल्यू है, और अगर 0 आ रहा है यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इस तरह आपको एक वैल्यू दे दी जाए रीड करने को तो आप बता सकें कि ये एक साइंड वैल्यू है या अनसाइंड वैल्यू है। इसके बाद ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट। अब यहाँ रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट के अंदर क्या हो रहा होता है, रोटेट लेफ्ट ये थोड़ा सा शिफ्ट से जो है ना, शिफ्ट के इंस्ट्रक्शन आपने तमाम देख लिया, अगर आप यहाँ देखें शिफ्ट की ये तमाम इंस्ट्रक्शन आपने देख लिए, ठीक है। आ जाए यहाँ पर रोटेट, ठीक है। रोटेट लेफ्ट के अंदर क्या चीज डिफरेंट होगी, यहाँ पर आपके पास दो चार पांच छ और सात, यहाँ पर क्या चीज डिफरेंट होगी, यहाँ आपके पास ये वैल्यू है 01 00 00 00। जब भी आप ROL यानी कि रोटेट लेफ्ट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे या रोटेट राइट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे तो वहाँ क्या चीज़ होगी, वहाँ आपकी बिट मिस नहीं हो रही होगी। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये बिट को यहाँ से बाहर निकाल रहे थे, कैंसिल कर रहे थे, ठीक है। शिफ्ट राइट के अंदर शिफ्ट लेफ्ट में क्या कर रहे थे, लेफ्ट मोस्ट बिट को बाहर निकाल रहे थे, यानी ये 0 बिट हमारी मिस हो रही थी। जबकि रोटेट के अंदर क्या होगा कि आपकी तमाम बिट्स रोटेट कर जाएंगी या आइदर लेफ्ट और राइट, या भी देख लेते हैं किस तरह। अगर तो ये हमारे पास इनपुट है, अच्छा ये भी आप लोगों को आगे एग्जाम्पल्स में समझ आएगा कि ये तमाम इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक और शिफ्ट और रोटेट ये कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, क्यों हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप अगर यहाँ देखें काउंट नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, तो रोटेट के अंदर क्या होगा, रोटेट चूंकि लेफ्ट है तो लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ये बिट आपकी बाहर नहीं जाएगी यानी कि ये आउट नहीं होगी, ये क्या होगी यहाँ इसके MSB से निकलकर नेक्स्ट आपके आउटपुट के LSB के अंदर चली जाएगी, ठीक है। यानी ये 0 यहाँ से निकल कर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, ये वैल्यू ये लेफ्ट पर शिफ्ट होगी 0, ये वाली यहाँ पर रोटेट हो गई, ये यहाँ रोटेट होकर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इसको आप देखें तो इधर,
ठीक है, काउंट नंबर आप टू चलाएं, इसको भी हम परफॉर्म करके भी देख लेते हैं। अब ये नहीं देखेगा कि भाई साइंड बिट है या नहीं है या अनसाइंड है या आपके एमएसबी में जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, ये कुछ भी नहीं देखेगा। ये ROL यानी कि रोटेट लेफ्ट या रोटेट राइट क्या करेगा, ये आपका सिंपल आपकी जो भी बिट्स हैं उनको रोटेट कर देगा। यानी अगर ये इसकी MSB 1 है, इसको रोटेट करके इसकी LSB में शिफ्ट करा देगा, रोटेट कर देगा। पूरा रोटेशन क्या होती है, पूरा आपका व्हील घूम जाता है, ठीक है। तो ये 1 यहाँ से इधर आ गया, ये 0 यहाँ, आपकी कोई भी बिट मिस नहीं हो रही, ठीक है। 0 0 1 1 और ये 0, सही है। एक मिनट, अब इसको अगर हम परफॉर्म करके देख लें यहाँ पर क्या वैल्यू थी हमारे पास, 0 1 0 1 0 0 1 1 बाइनरी, और हमने यहाँ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया है रोटेट लेफ्ट, ROL, ठीक है, रोटेट लेफ्ट, और इसका काउंट फर्स्ट टाइम चला देते हैं और चेक करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0, 8 बिट्स जो लीस्ट हैं उसके अंदर आप आउटपुट देख सकते हैं। इसी तरह आप इसका रोटेट लेफ्ट में काउंट नंबर 2 को रन करके देख लें, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें तो क्या हुआ, 0 1 0 0 1 0 1, और यहाँ आप देखें यहाँ पर एक बिट यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो गई। ये क्या वजह है, ये बेसिकली है कैरी, यानी कि जब ये रोटेट किया तो इसकी जो वैल्यू बनी वो क्या हो गई, वो इस 8 बिट से बड़ी हो गई, तो इसने कैरी जनरेट कर दी। ये चीज़ भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ये कैरी का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये आपका क्या काम हो रहा है, ये रोटेट लेफ्ट का परफॉर्म हो गया। इसी तरह आपका रोटेट लेफ्ट जिस तरह किया है वैसे ही रोटेट राइट कर दें, मेरे ख्याल से उसको करके दिखाने की नीड शायद नहीं है, या करके देख लें एक दफा। रोटेट ROR, रोटेट राइट में क्या होगा भाई, ठीक है भाई। अब रोटेट राइट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम दे देते जीरो 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 वन जीरो वन, रोटेट राइट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम MSB यानी कि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को राइट, इसके LSB के अंदर रोटेट कर रहे थे, यानी कि राइट लेफ्ट पर रोटेट कर रहे थे, यहाँ पर आप इसकी LSB को MSB के अंदर राइट यानी राइट मोस्ट जो बिट है उसमें रोटेट करेंगे। यानी कि इसकी LSB क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये इसको आप यहाँ पर रोटेट कर देंगे, ये 0 इधर आ गया, और राइट है तो अब राइट के अंदर क्या होगा, ये तमाम बिट्स राइट पर एक एक जो है राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। हम बस एक ही आइट्रेशन करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसका काउंट नंबर 1 है, इसको हम रन कर लेते हैं ROR, रोटेट राइट, 1
हमारी 0000 0105। यहाँ पर क्या आ गया भाई 50101, यहाँ पर भी यही है 50101। ठीक है, तो ये रोटेट राइट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गया। इसके बाद रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट देख लिया, फिर रोटेट कैरी लेफ्ट और रोटेट कैरी राइट। इस रोटेट कैरी लेफ्ट और रोटेट कैरी राइट के अंदर क्या चीज़ है, यहाँ हम इसको चलें एक को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ऑलमोस्ट हम एंड पर ही पहुँचे हुए हैं, थोड़ा सा बस आपने इसको साथ देना है। वो क्या है कि भाई अभी आपने देखा जैसे हम आउटपुट क्रिएट किया था रोटेट इसके अंदर रोटेट लेफ्ट के अंदर, तो हमारे पास एक कैरी जनरेट हो रही थी। कैरी कब जनरेट होती है, जब आपको शायद थ्योरी में भी सर ने या टीचर ने जो भी आपकी हैं उन्होंने बताया होगा, जब आपकी सपोज 8 बिट वैल्यू है और आपने जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके बाद आपके डेस्टिनेशन के अंदर वैल्यू बड़ी हो गई। सपोज 8 बिट वैल्यू थी, अब वो बढ़ गई 9 बिट हो गई, 9 यानी 1 बिट बढ़ गई तो 9 हो गई। 9 होने पे क्या करता है हमारा पीसी, एक कैरी जनरेट कर लेता है, 9th बिट को एज अ कैरी जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो कैरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। कैरी आप लोगों को पता होगा जिस तरह का परफॉर्म होती है। हम यहाँ पर रोटेट कैरी लेफ्ट को पहले कर लेते हैं, राइट आपको खुद ही समझ आ जाएगी। यहाँ कह देते हैं रोटेट कैरी लेफ्ट, ठीक है भाई, ये हो गया। ये दो तीन चार ठीक है भाई, और यहाँ पर हम कह देते हैं एक कैरी सपोज जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास नंबर सपोज कर रहे हैं कैरी आ रही है 1, अगर आपके आउटपुट में यहाँ है 0 1 0 0 और 1 0 1 0 1। ठीक है, अगर तो आपके पास ये यूज़र के पास एक ऑपरेंड है ये, ठीक है, और इसमें कैरी आपके पास आ गई है 1। अब आप जब RCL यानी कि रोटेट कैरी लेफ्ट लगाएंगे तो क्या होगा, RCL जब आप परफॉर्म करेंगे रोटेट कैरी लेफ्ट में क्या होगा कि जो भी आपकी कैरी है यानी कि ये 1 है, ये उठकर इसकी LSB के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पर रोटेट करना है ना, तो ये बल्कि हाँ ये इसके राइट पर आ जाएगा और बाकी तमाम बिट्स जो आपकी हैं यानी कि ये यहाँ गया 1 और ये बाकी तमाम बिट्स आपकी लेफ्ट पर रोटेट कर लेंगे। ये 1, ये 0, ये 1, सॉरी ये 0, ये 0, ये भी 0, और यहाँ इसकी जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो सेकेंड वाले की कैरी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात आई होप सबको क्लियर होगी। सेम काम आपका होता रहेगा आगे चल के। ठीक है, और यही जिस तरह आपने रोटेट कैरी लेफ्ट किया है, अगर आप रोटेट कैरी राइट यानी कि ये RCL का हमने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, आप कर दें रोटेट कैरी राइट, और सिर्फ उसके अंदर सिंपल हमारे पास क्या चीज़ होगी कि ये वाली जो इसकी क्योंकि राइट है तो ये जो इसकी कैरी है ये आगे की तरफ राइट पे शिफ्ट होगी और ये तमाम आगे जाती जाएंगी राइट की तरफ, ठीक है, जैसे ये लेफ्ट की तरफ जा रही है और इस
हमारे पास ये है एल एस बी है, ये नेक्स्ट वाले की कैरी बन जाए, ये सिंपल आर सी आर का काम होगा, रोटेट कैरी राइट। आई थिंक इसको हमें इतना इन डीप जाने की नीड नहीं है। तो ये तमाम आपके पास इंस्ट्रक्शंस थे शिफ्ट के, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट कैरी लेफ्ट, रोटेट कैरी राइट, ठीक है। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस थे आपके शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस। और इससे पहले हमने एंड और एक्सोर नॉट टेस्ट, ये तमाम हमने बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस देखे। तो आपकी लैब जो बेसिक थी वो यही थी कि इंटीजर अर्थमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन, यानी कि बिट बिट बाय बिट किस तरीके से लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं और इंटीजर अर्थमेटिक किस तरह परफॉर्म होती है, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो अभी मैंने आपको जितनी ये थ्योरी तमाम इंस्ट्रक्शन के बारे में बताई है, यही सारी थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश में यहाँ पर, कि कैरी किस तरह से मूव करती है, ईच बिट इंस्ट्रक्शन इनपुट में क्या होता है। तो ये तमाम आप चाहें तो इसको रीड करके देख लें, ठीक है। यही तमाम मैंने आपको उर्दू में समझा दी है, इन तमाम की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इनको आप परफॉर्म भी करके देख लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, SHLD, SHRD। SHL आप लोगों को पता है शिफ्ट लेफ्ट है, और SHR क्या है, शिफ्ट राइट, ठीक है। और शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है भाई, आपकी तमाम बिट्स लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाती हैं, और आर में क्या होता है, तमाम बिट्स राइट पर शिफ्ट हो जाती हैं। ये डी चीज़ क्या है, डी क्या है, डी है आपके पास डबल प्रिसीजन। अगर आप देखें तो यहाँ क्या गिवन है, द SHLD एंड SHRD आर डबल प्रिसीजन शिफ्ट इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट ऑन थ्री ऑपरेंड्स। यानी यहाँ पर ये डी क्या है, डबल प्रिसीजन। डबल प्रिसीजन से क्या मतलब है, शिफ्ट तो करना है लेकिन अभी आप क्या कर रहे थे, डेस्टिनेशन कॉमा काउंट, लेकिन अब डबल प्रिसीजन का मतलब है कि डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स कॉमा काउंट। यहाँ देखिए शिफ्ट SHLD में क्या है, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स कॉमा काउंट, यानी आपको सोर्स भी देनी है साथ में, सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। और यहाँ पर सोर्स, सोर्स में आपने अपनी जो भी आउट इनपुट था वो दे देना है, और वो जाके कहाँ सेफ होगी, डेस्टिनेशन, तो वही बाकी सेम इंस्ट्रक्शन है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट वाला परफॉर्म होता है। फिर आ जाता है बाइनरी मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये वही जो अभी आपको मैंने यहाँ बताया, कहाँ गया भाई, ये अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े बन गए। ये मल्टीप्लीकेशन बाई टू, मल्टी डिवाइड बाई टू, यही यहाँ पर है। अगर आप इसको डिफाइन इन्होंने किया हुआ पूरा इन डिटेल के भाई, मल्टीप्लीकेशन किस तरह है, डिवीजन किस तरह है, SHL क्या करता है भाई, मल्टीप्लाई, SAR क्या करता है, डिवाइड, ठीक है। यही हमने यहाँ पर आपको मैंने एक ब्रीफ दे दिया। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया कि ये SHL क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई टू, SHR क्या कर रहा है, डिवाइड बाई टू, यहाँ आप देख सकते हैं, ये वही चीज़ है कि यहाँ SHL क्या कर रहा है भाई, 11 था इसकी बाइनरी से आप डेसिमल में 22 कर दिया, 22 मल्टीप्लाई बाई, फिर 2 इक्वल्स टू 44, फिर 88, यहाँ पर देखें तो 80 था, तो डिवाइड बाई टू 40, 20, 10, वही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो आप लोग इसको ये तमाम शिफ्ट इंस्ट्रक्शन की, जो अगर जिसको नहीं समझ आया, जिसको सिर्फ इंग्लिश ही समझ आती है, वो इसको आराम से रीड कर लें, उसको समझ आ जाएगी जो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, ठीक है। चलिए, बाकी आपको बताया गया है कि भाई कन्वर्ट करना हो, आपने कोई भी आपका इंटीजर नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका ASCII कोड आपने जनरेट करना हो, तो वो आप यहाँ पर, तो आपको एक पूरा कोड गिवेन है, या आप लोग चाहें तो परफॉर्म करके देख लें, ASCII कोड आपका उसका जनरेट करके दे देगा, ये कैसा कोड असेंबली लैंग्वेज। यहाँ अगर आप देखें तो आप, हमने जो अभी रोटेट लाइट, रोटेट लेफ्ट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर कॉमा फोर रोटेट लेफ्ट, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जो जिनके अंदर कुछ इसकी एप्लीकेशन हैं, जिसके अंदर ये तमाम शिफ्ट रोटेट के इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं लॉजिकली। अगर आपको ये समझ आ गई है कहानी, तो आगे जाके आपको ये कोड्स भी समझ आ जाएंगे। ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहें तो आप इसको देख लें, रीड कर लें, कोई ठीक है। बाकी आपका क्या है, यही है इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या होती है भाई इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है 16 और 32 बिट की, ठीक है। मल्टीप्लाई, आई मल्टीप्लाई, डिवाइड, आई डिवाइड होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई और आई मल्टीप्लाई हम लोग ये प्रीवियस स्टार्टिंग की लैब में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह होती है भाई। साइंड के लिए हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, आई मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, और अनसाइंड के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी ये असल जो आपकी इस लैब, जो ये लैब नंबर 11 है, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे हो सकता है वाइवा में या के थ्योरी में पूछे जा सकें, वो बेसिक
होते हैं बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ये आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, एंड और एक्सोर नॉट टेस्ट, ठीक है, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, शिफ्ट में कौन से हैं ये सातों आठ जितने भी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट कैरी लेफ्ट, रोटेट कैरी राइट, एस एच एल डी, एस एच आर, बस ये तीन आपके जो मेन हेडिंग्स हैं ना, ये असल आपकी इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हमने पूरी लैब के अंदर तमाम को डिस्कस करके देख लिया, एक एक को ड्राई रन करके देख लिया है किस तरह उसके कोड्स परफॉर्म हो रहे हैं, ये हमने परफॉर्म करके देख लिए हैं। आप चाहें तो इसकी एग्जांपल्स को भी रन करके देख लें, ठीक है। बाकी लैब का, हमारी आज की लैब का कॉन्टेंट हम यहीं पर इसको एंड कर रहे हैं, और लैब टास्क जो है ना वो आपका ईजी से मैं दे रहा हूँ, ठीक है, समझने वो ना होने के बराबर ये, चाहें तो आप इसको अभी सॉल्व करके ख़त्म कर दें, ठीक है। ये लैब है आपकी, ये लैब टास्क है, सिंपल एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, इंडिकेट द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ AL आफ्टर ईच शिफ्ट, यानी आपने क्या करना है, ये दो इंस्ट्रक्शंस हैं, एक है मूव AL, AL के अंदर आपने ये वैल्यू मूव करानी है 6BH, और AL के अंदर क्या करानी है 8CH, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करनी है, SHR इसके ऊपर अप्लाई करना है, शिफ्ट राइट, ठीक है, AL के ऊपर जो भी इसमें वैल्यू हो, एक दफ़ा, और यहाँ पर क्या करना है तीन दफ़ा, यहाँ पर अच्छा ये AL के आगे कुछ लिखा नहीं, इसको भी इसमें भी एक दफ़ा है शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, और AL में है थर्ड टाइम, थ्री टाइम, ठीक है। और हर शिफ्ट के बाद AL की क्या वैल्यू आती है ये आपने आउटपुट के अंदर शो करवाना, यानी क्या जाहिर है AL की वैल्यू किस तरह शो करेंगे आपको पता, जैसे अभी हमने किस तरह की भाई राइट बाइनरी करके, वैसे आप यहाँ राइट हेक्सा करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व करके अपलोड कर दीजिए, ये मैं आप लोगों की लैब जो है हाथों हाथ अपलोड कर देता हूँ। बाकी हम लैब को आज यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है तो 2 मिनट्स का टाइम रह गया है, उसके बाद हम लैब को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। सर वो असाइनमेंट 2 वाला सीन, असाइनमेंट 2, अच्छा असाइनमेंट 2 का कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 1 को ही कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों की जितने भी असाइनमेंट्स हैं और लैब एग्जाम हैं और आपकी जितनी भी लैब टास्क हैं, तमाम का फोल्डर क्रिएट होता है, और हर बच्चे की ये सारी चीज़ों का फोल्डर हम एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर ये क्रिएट करके मार्क्स के साथ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को दे देते हैं, वहाँ पर आपकी तमाम चीज़ें वेरीफाई होती हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट की जिसने लैब सबमिट ना की हो और उसके मार्क्स अपलोडेड हों, कोई असाइनमेंट ना हो, तो वहाँ पर पकड़ हो सकती है। तो आप लोगों को ये लीनियंसी मिल जाएगी कि आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो इजी होगा, कोई उसके अंदर इतना मुश्किल नहीं होगा, आसानी से आप लोग कर लेंगे, और जितना हो सकेगा कोशिश मैं भी आपकी जो है वो उसमें हेल्प जितनी हो सकेगी कर लेंगे। सर कल क्लास टाइम पर अटेंडेंस एग्जाम है, बिल्कुल कल क्लास टाइम पर होगा, कल आप लोगों की सेकेंड हाफ के अंदर होती है, तो उसी टाइम के ऊपर आपकी लैब एग्जाम स्टार्ट होगा। मैं अभी आप लोगों के ग्रुप के ऊपर भी टाइमिंग शेयर कर देता हूँ, 2.5 आवर्स का टोटल होगा टाइम, इसके बाद 1 मिनट भी ऊपर नहीं दिया जाएगा, तो उसमें आप कोशिश करें कि ये 12:30 से 3 तक का आपके पास जो टाइम होगा उसके अंदर अंदर आपने सॉल्व करके अपलोड कर लेना, ठीक है। बाकी हम यहीं पर लैब को वाइंड अप करें, नहीं आप लोगों ने नहीं आना होगा, मार्क्स जो है आप लोगों के इसी वीक के